वृंदावन आर्ट्स चैनल, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन, प्लीज शेयर आवर वीडियोस। मेरो मन मानिक गिरवी धरे राधा माधव के पास, मोल पे ब्याज इतना चढ़ो अब ना छूटन की आस। आप सब वैष्णव भक्तों को वृंदावन आर्ट चैनल की तरफ से राधे राधे और सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार आप सभी जानते हैं, सावन का महीना शुरू हो गया है और सावन का महीना बड़ा ही पावन महीना है। सावन जितना भगवान शिव को प्रिय है, उतना ही ये हमारे प्रियतम ठाकुर जी को भी अति प्रिय है। सावन के महीने में फूलों से श्रृंगार कर हिंडोले यानी झूले में झुलाया जाता है ठाकुर जी को। इसी पावन महीने में हरियाली अमावस्या और हरियाली तीज का उत्सव भी मनाया जाता है। आज हम भी ठाकुर जी का श्रृंगार फूलों से करेंगे और ठाकुर जी को झूला झुलाएंगे। गर्मियों का मौसम है, इसलिए आज हम ठाकुर जी को वस्त्र न धारण करवा के केवल आभूषणों का ही श्रृंगार करेंगे। आज जो हम श्रृंगार कर रहे हैं ठाकुर जी का, इसके पीछे हमारा यही उपलक्ष्य है कि हम आपको बता सकें कि ठाकुर जी के श्रृंगार में क्या क्या चीज़ें उपयोग में आती हैं। ये सारा सामान आपको हमारे शोरूम वृंदावन की हट्टी से मिल जाएगा। ठाकुर जी को चोकर हार डालेंगे। इस हार में भी सुनहरी मोतियों और रंग बिरंगे रतन जड़ित हैं। ठाकुर जी के हस्त कमल पर अब हम फूलों के ही कंगन धारण करवाएंगे। ठाकुर जी के श्री अंग का श्रृंगार तो संपूर्ण हो गया, अब हम ठाकुर जी के केशों का श्रृंगार करेंगे। ये ठाकुर जी के काले काले गुंगराले केश मानो यूं लगता है जैसे सावन के महीने में घनघोर काले बादल और वो घनघन करते अभी ही बरस जाएंगे। हमारे यहाँ ठाकुर जी का जो श्रृंगार होता है, वह ठाकुर जी को अपना प्रियतम मानकर गोपी भाव से ही किया जाता है। और जहाँ तक ठाकुर जी के केशों का वर्णन आता है, वहाँ गोपियों ने गोपी गीत में तो स्वयं अपने मुख से कहा है, दिन के होते आप अंत ब्रज में वापिस आते, विरहा आतुर ब्रज बालाओं को मुख माधुर्य पिलाते, काले चिकने केश आपके गुंगरारे फहराते, कर कपोर कभी लोर लोर लहराते, पद पे उठी स्वर्ण धूल जो छा जाती, देख सौंदर्य राची हम मतवारी हो जाती। हे श्याम सुंदर, जब आप दिन के ढलने के बाद मन से गैया को चराकर वापिस आते हैं, आपके मुखार विंद पर काली काली अलके लहराती हैं और उन अलकों पर गैयों की खुरों की जो धूल चढ़ जाती है, मानो यूं लगता है काले काले बादलों में जैसे बिजली चमक रही हो। आपका वो अपूर्व सौंदर्य देखकर हमारा हृदय प्रेम में डूब जाता है, हम अपनी सुधबुद्ध खो बैठती हैं, हम बावरी से हो जाती हैं। इतना प्रेम गोपियों का ठाकुर जी के प्रति था, वह सोते उठते खाते पीते हंसते रोते आठों यम ठाकुर जी के रूप ध्यान में खोई ही रहती थी। आज हम भी उसी भाव से ठाकुर जी का ये फूलों का श्रृंगार कर रहे हैं। स्वयं माँ यशोदा जी भी ठाकुर जी के केशों को अपने हाथों से सजाती थी, केशों में मनिया रतन व फूल लगाती थी। वैसे भी ये जो श्रृंगार है, ये ब्रज का ही श्रृंगार है, या यूँ कह लो ये ठाकुर जी का प्रेम श्रृंगार है। ठाकुर जी इसी रूप में ब्रज में विहार करते हैं। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं, हमें तो श्रृंगार करना नहीं आता, हमारे पास समय भी नहीं है, पर हमें ठाकुर जी से प्रेम बहुत है। ये सब बातें कहने की ही है। ठाकुर जी से आप कितना भी प्रेम करते हैं, ये आपका श्रृंगार बता देता है, क्योंकि ठाकुर जी को कोई भी नहीं सजा सकता, ठाकुर जी को ठाकुर जी स्वयं ही सजाते हैं। जैसा आपका श्रृंगार होता है, वैसा ही आपका प्रेम होता है। हमें भी ठाकुर जी ने आज स्वयं इस श्रृंगार की प्रेरणा दी। हम श्रृंगार करने कुछ और बैठे थे और ठाकुर जी ने अपनी इच्छा से श्रृंगार कुछ और करवा लिया, ये उसकी कृपा ही तो है और उसकी प्रेरणा ही है। वैसे भी ठाकुर जी कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं। इस वाणी में इतना समर्थ ही नहीं है जो ठाकुर जी के सौंदर्य का बखान कर सके। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हुए इसी भाव से ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी आप सबके हृदय में अपने चरणों की प्रीति बनाए रखें, आप सबका गोपी भाव प्रबल रखें। जय जय राधा रमण,
जय जय नवल किशोर, जय जय गोपी चित चोर सांवरे, जय जय माखन चोर, जय श्री राधे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।